हेलो दोस्तों, एसके मशीन में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे पीको मशीन में धागा फंसा है तो कैसे निकालें। ये देखिए दोस्तों, दो तरफ धागा फंसता है, एक व्हील में फंसता है और एक शटल के अंदर फंसता है। इसके नीचे जो बॉबिन केस लगाते हैं ना, वो जगह में फंसता है। आज हम शटल में धागा फंसने के बारे में बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला फुल टाइट हो गया है, देखिए, और घूमता नहीं है, फुल टाइट हो गया, घूमता नहीं है। इस तरह से टाइट हो जाता है मशीन में धागा फंसने के बाद। ये देखिए दोस्तों, इस शटल के अंदर धागा फंसा है। आज हम इस शटल के अंदर धागा फंसने पर कैसे निकालना चाहिए इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्टॉपर को निकालेंगे। इस स्टॉपर को निकाले बाद आपको मालूम हो जाएगा कि धागा कैसे निकालना है। ये स्टॉपर को निकाल लेना चाहिए यहाँ से। ये नट को निकाले तो ये स्टॉपर पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये स्टॉपर को निकाल लेना चाहिए। चाहे तो सुई भी निकाल सकते हैं, मगर अभी मैं सुई नहीं निकालूंगा। ये देखिए, इस तरह से घुमा लेना चाहिए। इस तरह से घुमाकर ये जो है, देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है, देखिए। इसको हम इस तरह से नीचे रख लेंगे। इस तरह से ये नोक को नहीं मारना चाहिए, इसको ज़रा से इस तरह से लगाना चाहिए। इसको ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाकर इस तरह हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरह से मार लेना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मार कर इसको नीचे कर लेना चाहिए। जब ये तागा रहता, देखिए, ये पूरा सामने आ जाता है। आप बिना स्टॉपर के निकाल ले भी सकते हैं, ऐसे तागा दिखा तो आपको इस तरह से निकाल लेना चाहिए, मगर टूट जाता है, अंदर ही फंस जाता है, इसलिए इसको घुमा लेना चाहिए इस तरह से। इसको और ज़रा ऊपर करता हूँ, अभी टाइट है फुल। इसके साइड प्लेट को भी निकाल लेना चाहिए, मारनी अच्छा आएगा। ये देखिए, इस तरह से पकड़ कर इस तरह से मार लेना चाहिए। अब ये फ्री हो गया, देखिए। अब ये देखिए, ये आ गया, देखिए धागा, इस तरह से धागा आ जाता है। अब ये वाला अंदर फ्री फिरना चाहिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर फ्री फिरना चाहिए शटल के अंदर, जब ही आपका मशीन में टाइट नहीं जाएगा। अभी अगर से ये टाइट रह गया तो आपका मशीन में टाइट रहेगा, इसलिए इसको फ्री फिरना चाहिए इस तरह से। अब ये फ्री हो गया है, देखिए, ये अभी आराम से फिर रहा है, देखिए, इस तरह से फिरना चाहिए ये वाला। अभी भी पीछे थोड़ा सा तागा है, इसको भी निकाल लेता हूँ। ये देखिए, तागा ही तागा है। अब ये वाला फ्री हो गया है, देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी तागा है, देखिए, ये देखिए, इतना सा भी तागा फंसा है बोले तो आपके मशीन टाइट हो जाती है, इसलिए सब कुछ निकाल लेना चाहिए। अभी फ्री हो गया। अब इसको क्या करना चाहिए, शटल सेटिंग बराबर है नहीं देख लेना चाहिए, ये वाला को फिरा के देखना चाहिए। ये वाला जो शटल का जो नोक है, देखिए, वो स्विंग के होल के ऊपर से जाना चाहिए, लेफ़्ट साइड से। अब ये लेफ़्ट साइड है, देखिए, अब ये राइट साइड में इस तरफ आएगा। तीन नंबर रख के शटल सेटिंग करना पड़ता है। ये देखिए, ये वाला राइट साइड में ऊपर से जा रहा है, स्विंग के होल के ऊपर से जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा है, लेफ़्ट साइड में आएगा तो सेटिंग कर लेना चाहिए। ये देखिए, स्विंग के होल के ऊपर से जा रहा है, इस तरह से जाना चाहिए, जब भी शटल सेटिंग बराबर होता है। ये शटल सेटिंग आउट नहीं हुआ है, हम तागा निकालने के बारे में बताए। चलिए दोस्तों, अभी ये वाला स्टॉपर को लगा लेना चाहिए इस तरह से सेट करके। ये वाले को ऊपर रखना चाहिए, सुई को ऊपर रख के इसको भी ऊपर, ये गाला है, देखिए, इसको ऊपर रखना चाहिए। इसको ऐसा यहाँ पे लगा देना चाहिए, इसके होल में लगाकर टाइट कर लेना चाहिए इसको। ये देखिए, ये स्टॉपर को टाइट कर लेना चाहिए। इसके गाले में आना चाहिए, शटल के जो गाला रहता, देखिए, ये गाले में बैठना चाहिए, तभी आपके शटल को पकड़ेगा ये स्टॉपर, राइट। ये हो गया, देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो अंदर का जो फ्री घूमता है, देखिए, ये वाला थोड़ा डग रहना चाहिए, अभी थोड़ा सा हल रहा है, देखिए, इस तरह से हलना चाहिए, तभी आपके मशीन का सीवन अच्छा आएगा, नहीं तो नीचे गुंजल गुंजल आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ढीला रखना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपके मशीन में तागा निकाल सकते हैं और इस तरह से फ्री हो जाएगा मशीन। ये देखिए, अभी फ्री हो गया, देखिए, अब आराम से घूम रहा है, देखिए, तब नहीं घूम रहा था, अब घूम रहा है, देखिए।
ये देखिए फ्री हो गया, देखिए मशीन। इस तरह से आप भी तागा फंसा तो निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।